एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। दिस इज वर्षा और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है हु लिव इन द विलेजेस, यानी कि गांव में कौन कौन रहते थे। तो गांव में पहली बात तो क्या काम होता है, द मेन थिंग इज एग्रीकल्चर। मेन जो ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर होगा। तो अब जिनके पास ज्यादा लैंड आ चुका था, बहुत ज्यादा जिनके पास खेत थे, एक तो वो लोग होंगे, एक वो लोग होंगे जो इन खेतों पे काम करते थे। और ये हर क्षेत्र में अलग अलग लोग हुआ करते थे, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग लोग हुआ करते थे और साउथ इंडिया में कुछ अलग। अब आप कहोगे मैम लोग कैसे अलग अलग हो जाएंगे, तो उनके नाम सिर्फ अलग है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में एक ही इंसान को जिसके पास बहुत ज्यादा खेत है उसको कुछ और बुलाया जाएगा, वही साउथ इंडिया में कोई और नाम से नहीं जाना जाएगा। वो इंसान जो उस लैंड पे काम कर रहा है उसको नॉर्थ इंडिया में कुछ बुलाया जाएगा तो साउथ इंडिया में कुछ और। तो आइए देखते हैं इन्हीं लोगों को। There were at least three different kind of people living in most villages in the southern and northern part of the subcontinent. तीन अलग अलग तरीके के लोग रह रहे थे villages के अंदर southern और northern part में हमारे subcontinent के, यानी हमारे भारत के अंदर। First है तमिल region, यानी हमारा southern area। वहां पे कौन कौन लोग रह रहे थे, कौन रहते थे, तो large land owners were known as velars। Large जो बड़े बड़े खेतों के मालिक थे उनको हम वेलार के नाम से जानते हैं। वही ऑर्डिनरी प्लॉमैन वर नोन एज उजहवार। सो उजहवार वो लोग थे जो कि प्लॉमैन थे, यानी ये खेतों को क्या करते थे, जोतने का काम करते थे, उनको खोदने का काम करते थे जो कि हल से किया जाता है। सो दे वर उजहवार सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एंड द थर्ड वाज लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स, जिनको हम कदई सियार के नाम से जानते हैं या फिर हम उन्हें अधिमई के नाम से जानेंगे। तो ये क्या है, कदई सियार और अधिमई, ये नाम है लैंडलेस लेबरर और स्लेव्स को। सो ये तीन तरीके के तमिल रीजन में लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके नाम हमें कैसे पता चले, तो इनके नाम हमें इनके एक लिटरेचर जिसको संगम लिटरेचर कहते हैं उसके थ्रू इनके नाम का हमें पता चला। नेक्स्ट देखते हैं। Now we have northern, in the northern part of the country. अब हमारे इंडिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नदर पार्ट के अंदर इन लोगों को क्या क्या बुलाया जाता था, कौन कौन से लोग रह रहे हैं। तो पहला कौन होगा, द विलेज हेड मैन वॉज नोन एज ग्राम भोज का। यहाँ पे क्या हो रहा था, नॉर्थ इंडिया के अंदर एक ग्राम भोज का नाम का हेडमैन होगा, यानी कि वहां उस गांव का सबसे मुख्य इंसान, जिसे कई बार हम हिंदी में उसको मुखिया के नाम से भी कह देते हैं। सो इस वक्त का जो हेडमैन होगा, जो सबसे प्रथम इंसान होगा, जो सबसे बड़ा इंसान होगा, उसको हम ग्राम भोज का कहेंगे। अब ये ग्राम भोज का वो इंसान ही हो सकता है जिसके पास बहुत बड़ा लैंड होगा, जो कि बहुत बड़ा लैंड का ओनर होगा। सो ग्राम भोज का। सेकेंड टाइप के होंगी इंडिपेंडेंट फार्मर नोन एज गृहपति। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंडिपेंडेंट फार्मर होंगे जिनके पास कम लैंड होगी, इनको हम गृहपति के नाम से जानते हैं। और वही हमारे पास तीसरी टाइप है लैंडलेस लेबरर की, जिनको हम कामकारा के नाम से जानते हैं। अब ये जो कामकारा होंगे इनको अपनी लिविंग, यानी अपना जीवन यापन किसी और के फील्ड पे, यानी कि लैंड ओनर्स, बड़े बड़े लैंड ओनर्स के फील्ड पे जाके काम करके लाना पड़ेगा, यानी कि वो इनके लैंड पे जाके काम करेंगे, फिर ये लोग उसे पैसे देंगे। सो देयर आर थ्री डिफरेंट सोसाइटी, थ्री डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले हो गया लैंड ओनर्स, और जो सबसे बड़ा लैंड ओनर होगा वो ग्राम भोज का कहलाएगा। दूसरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट फार्मर्स, जिनको हम कई बार गृहपति के नाम से जानेंगे। और थर्ड हो जाएंगे लैंडलेस लेबरर, जो कि किसी और के फील्ड पे जाके काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। इन लैंडलेस लेबरर को हम क्या बोलेंगे, कामकारा। सो लैंडलेस लेबरर वर नोन एज दासा कामकारा। ओके, सो दिस इज योर नदन पार्ट। अब जो ग्राम भोज का है उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उन फंक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। बट उससे पहले ये है, इन मोस्ट विलेजेस There were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter and weaver. So इनको इनके अलावा, ये जो हमने उजहवार वेलार देखा और यहाँ पे हमारे नदन पार्ट में देखा कि ग्राम भोज का है, गृहपति है, दासा कामकार है, उनके अलावा एक विलेज के अंदर और भी लोग हुआ करते थे, जैसे कि कोई क्राफ्ट पर्सन है जो कि कोई क्राफ्ट बना रहा है, कोई परफ्यूमर है जो कि एक क्राफ्ट पर्सन ही होता है, वो स
सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे. यू हैव ब्लैक स्मिथ, यू हैव कारपेंटर, यू हैव वीवर, तो ये सारे लोग आपको विलेज के अंदर देखने को मिलेंगे. सो अब बात करते हैं ग्राम भोजका के फंक्शन की, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है. सो द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज ग्राम भोजका, यानी विलेज का जो प्रमुख इंसान है उसको हम ग्राम भोजका के नाम से जानते हैं. द पोस्ट वॉज हेरिडिट्री, यानी ये पोस्ट हेरिडिट्री थी, वंशानुगति वंशज वाली थी, कि एक इंसान अगर ग्राम भोजका है तो उसके पिता भी ग्राम भोजका होंगे और उसका आने वाला पुत्र भी ग्राम भोजका होगा. जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, ज्यादातर इनके पास स्लेव हुआ करते थे, यानी कि गुलाम हुआ करते थे, और ये लोगों को हायर करता था, यानी लोगों को काम देता था ताकि वो लोग आए और इसके लैंड के ऊपर, इसके जमीन के ऊपर खेती उगाए. बिसाइड्स एज ही वाज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज. अब क्योंकि ये पावरफुल होता था, क्योंकि इसके पास ज्यादा मैन पावर होती थी, कैसे, एक तो इसके पास ज्यादा स्लेव्स होंगे और दूसरा वो लोग होंगे जिनको ये काम देता था, तो ये ज्यादा पावरफुल हो गया किसी भी विलेज का. सो जब इनके पास पावर ज्यादा है तो राजा इन्हें क्या करते थे, अपना एक ऑफिसर नियुक्त कर देते थे, अफसर नियुक्त करते थे इन्हें, ताकि ये क्या कर सके, अपने गांव से टैक्स कलेक्ट कर सके. अगर टैक्स नहीं देंगे कोई भी गांव के इंसान तो ये क्या करेंगे, उनको दंड देंगे. तो ही हैड वेरी मच पावर, क्योंकि एक तो इसके पास पावर ज्यादा है बिकॉज ऑफ मैन ज्यादा है, और दूसरी किंग ने इसे अपना ऑफिसर नियुक्त किया है एज अ टैक्स कलेक्टर. ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन, और कई बार ये एज अ जज भी परफॉर्म करता था और एज अ पुलिसमैन भी परफॉर्म करता था. कोई गांव में कुछ चोरी हो गई तो उसके लिए वो चोर को पकड़ेगा और उसको सजा सुनाएगा, तो ये जज और पुलिसमैन की तरह भी कई बार काम करता था. तो ये हो गए हमारे ग्राम भोजका के फंक्शंस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय.